हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और शरद पवार का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ सत्ता में है। सीमा पर चीन के साथ विवाद चल ही रहा है और इसी मुद्दे पर देश के भीतर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर सरकार को नाकाम बताया। बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस आरोप पर पलटवार किया है। दिल्ली में चीनी सामान की होली जल रही है। देश भर में चीनी सामान के बॉयकॉट की मुहिम तेज हो गई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली के लक्ष्मी नगर का इलाका है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चाइनीज जो सामान था उसमें आग लगाई गई है, होली जो है जलाई जा रही है। आगे वार्ता, पीछे प्रहार, चीन ये तेरा कैसा व्यवहार, इस तरीके के यहाँ संदेश दिख रहे हैं। जहाँ एक ओर LAC पर भारत चीन के विवाद ने लोगों में चीनी सामान के बहिष्कार को जोर दिया है, तो दूसरी ओर इस पर राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? एंड ये जो बॉटलनेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द देपसांग प्लेन्स, 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं। और इसी पर कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने तक का आरोप लगाया है। सोनिया और राहुल के इस आरोप को बीजेपी ने साफ तौर पर नकार दिया है और कांग्रेस को चीन का साथी बताया है। आर्मी का जनरल कह रहा है कि हमारी एक भी इंच भूमि उनके पास नहीं है, उनकी बात पे यकीन नहीं है क्योंकि इनको तो सेना पे विश्वास नहीं है। ये तो सेना की पीठ पे छुरा घूमते हैं, ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करते हैं। सरकार ने भी कांग्रेस के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सोनिया गांधी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। ये कोविड के कारण या चाइना की जो सिचुएशन है उसके कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास सोनिया जी न करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक वार पलटवार से चीन और भारत के बीच विवाद सुलझ पाएगा, क्योंकि सियासी पायदान पर बयानबाजी कितनी भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि हमारे देश की एक ईंट भी चीन के हाथ में नहीं है।